नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ देवयानी चौबे। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। लॉकडाउन में रोहित शर्मा को हो रही बेचैनी, एक बात को करते हैं हद से ज्यादा मिस। लॉकडाउन में टीम इंडिया के उपकप्तान कैसे अपना वक्त बिताते हैं, यह उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेडली को बताया है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इस वक्त देश में सभी लोगों को घर पर रहने बोला गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी घर पर रहते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करते दिख रहे हैं। लॉकडाउन में टीम इंडिया के उपकप्तान जैसे अपना वक्त बिताते हैं, यह उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेडली को बताया है। स्टार स्पोर्ट के शो क्रिकेट कनेक्टेड पर रोहित शर्मा ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेडली से बात करते हुए कहा है, मैं सोचता रहता हूं कि काश मेरे पास भी घर पर खेलने के लिए थोड़ी ज्यादा सी जगह होती, लेकिन दुर्भाग्य में मुंबई में हूं, जो जगह है वो एकांत में है और आपको अपने ही अपार्टमेंट में रहना होता है। हम आप लोगों की तरह इतना भाग्यशाली नहीं है कि जिनके पास अपना आंगन या घर के पीछे खेलने के लिए जगह हो। लॉकडाउन में रोहित कैसे बिताते हैं समय? यहाँ मुंबई में ऐसा घर लेना काफी महंगा होता है जहाँ आपके पास घर के साथ अपना आंगन भी हो। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ और मैं लकी हूँ कि मेरे घर में एक छोटी सी बालकनी है जहाँ मैं दौड़ लगा लेता हूँ। जब कुछ करने की इच्छा होती है, वो सब कुछ जो मेरे ट्रेनर ने मुझे करने के लिए दिया है, मैदान पर जाकर शॉर्ट्स लगाने को बेताब, जो कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाता हूँ करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिम जल्दी ही खुल जाए और मैं वहाँ जा पाऊँ, लेकिन मैं गेंद को मारना मिस करता हूँ और यह बात बिल्कुल पक्की है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे गेंद को मारना पसंद है, इसके लिए मेरे पास फिलहाल जगह काफ़ी कम है। मैं बाहर जाकर दोबारा के गेंद पर लंबे लंबे शॉट्स लगाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो लॉकडाउन में आप लोगों का समय कैसे बीत रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।